गाइस, आई होप आप लोग अपनी विंटर्स एंजॉय कर रहे होगे और इन विंटर्स को और भी ज्यादा कलरफुल एंड हेल्दी बनाने के लिए आज मैं आपके साथ 7 डिफरेंट इंटरेस्टिंग डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस स्मूदीज की रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि स्मूदीज बाकी सारी चीजों से ज्यादा हेल्दी क्यों होती है? बिकॉज यू गेट वॉट यू पुट इन। इसके अंदर हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज डालते हैं जिससे हमें उसके 100% न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इन्हें ब्रेकफास्ट में लेने से आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, मीठा खाने की क्रेविंग्स नहीं होती और वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। इनफैक्ट ये सारी रेसिपीज मैंने आई एम वाओ के वेट लॉस प्रोग्राम से ही ली हैं जो हमारे डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं और ये सबको इतनी पसंद आती है दैट आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज अ राइट डाइट इज व्हाट यू नीड फॉर वेट लॉस और एनी अदर फिटनेस गोल। अगर आपको भी डाइट प्लान रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाओ बाय गोइंग टू माय वेबसाइट gunjanshouts.com। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्मूदी रेसिपी व्हिच इज नटी एप्पल स्मूदी। इस स्मूदी को बनाने के लिए पहले हम एक जार में एप्पल के पीसेस डालेंगे। मैंने एक मीडियम साइज्ड एप्पल लिया है। इसके बाद हम इसमें 4 से 5 आमंड्स डालेंगे और 3 से 4 वॉलनट्स। अब हम इसमें 1 कप आमंड मिल्क डालेंगे। नाउ लेट्स क्लोज द जार एंड ब्लेंड ऑल दिस टुगेदर। आई एम यूजिंग एपिगामियाज अनस्वीटेंड आमंड मिल्क विच इज फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। यू नो, मैं रेगुलर मिल्क की जगह पे आमंड मिल्क क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली फीमेल्स हु हैव पीसीओडी और थायराइड, ये उनके लिए भी अच्छा है। दोज हु आर लैक्टोज इनटॉलरेंट और आर वीगन, ये उनके लिए भी अच्छा है। अब हम इसको एक ग्लास में सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा नटमेग पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे एंड आवर स्मूदी इज रेडी टू बी सर्व्ड। 100 ml ऑफ दिस स्मूदी हैज अराउंड 119 कैलोरीज ओनली, आउट ऑफ विच 7.3 grams इज कार्ब, 8.5 grams इज फैट एंड 3.3 grams इज प्रोटीन। So, ये एक बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और लो कैलोरी ऑप्शन है जिसको आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। नाउ आफ्टर दिस वेरी सिंपल एंड हेल्दी नटी एप्पल स्मूदी, वी आर गोइंग टू मेक बेरी स्मूदी। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार में हम स्ट्रॉबेरीज लेंगे। आई हैव टेकन 2 स्ट्रॉबेरीज। इसमें ब्लूबेरीज डालेंगे। आप साथ में और भी कोई बेरीज लाइक रास्पबेरी भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसके अंदर 1 कप आमंड मिल्क डालेंगे। आमंड मिल्क में काफी विटामिन्स भी होते हैं लाइक विटामिन ए एंड विटामिन D2। आप इसमें आमंड मिल्क की जगह पे एपिगामिया की ग्रीक योगर्ट भी यूज कर सकते हो विच इज वेरी थिक एंड क्रीमी। मैंने पहले भी इसे काफी रेसिपीज में यूज किया है एंड नाउ दैट एपिगामिया हैज लॉन्च्ड आमंड मिल्क इन 2 different flavors अनस्वीटेंड एंड चॉकलेट, आई वॉज सो एक्साइटेड टू यूज इट। सो अगर आप वेट लूज करना चाहते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर टेस्ट, दिस इज वॉट यू नीड। अब हम इन सब चीजों को एक साथ ब्लेंड करेंगे। See how pretty this smoothie looks. और क्या आपको पता है कि berries are loaded with antioxidants? इनमें ढेर सारे nutrients होते हैं जो आपकी skin के लिए भी अच्छे होते हैं। Berries are also high in fiber. It helps improve blood sugar and insulin. इसके अलावा berries के और भी बहुत सारे health benefits होते हैं। 200 ml berry smoothie में approximately 87 calories, जिसमें 10 grams carb, 2 grams fat और 2.9 grams protein होता है। So this is another very good breakfast option. Now after this very delicious berry smoothie, अब हम चलते हैं next recipe पे जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। We are going to make peanut butter cup smoothie. तो सबसे पहले हम एक normal या फिर frozen banana लेंगे और इसे मैं blender jar में डाल रही हूँ। Now adding a scoop of peanut butter and 1 tablespoon of cocoa powder. और अब मैं एपिगामिया का 1 कप चॉकलेट फ्लेवर्ड आमंड मिल्क ले रही हूँ। इसकी जगह आप एपिगामिया प्लेन अनस्वीटेंड आमंड मिल्क भी ले सकते हो। नाउ ऐड दिस टू द जार एंड नाउ ब्लेंड ऑल दिस टुगेदर। विद दिस आवर पीनट बटर कप स्मूदी इज ऑल सेट एंड एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। इसकी एक सर्विंग में है सिर्फ 258 कैलोरीज,
so you can easily enjoy this in your breakfast or any other time during the day. I hope aap logon ko bhi ye recipe utni hi achhi lagi jitni mujhe. Now let's have something green aur banate hain apple spinach smoothie. Iske liye pehle hum ek apple lenge. I am taking around half an apple. Let's put this into the jar. Aur ab baby spinach le rahi hu. Around 4 to 5 leaves. Now I am adding chia seeds and flax seeds, around 1 tablespoons of each. Now 1 cup of unsweetened Epigamia's almond milk. Aur ab is blender ko band karke hum sab cheezon ko ek saath blend karenge. With this, our green apple spinach smoothie is ready. जिसके 100 ml में है 84 calories, out of which 9 grams is carb, 4 grams fat and 2.9 grams is protein, which makes this smoothie another very healthy and filling option. हम spinach को generally सब्जी की form में खाते हैं, जिसको पकाने से उसके आधे nutrients तो वहीं destroy हो जाते हैं. But smoothies की form में लेने से हमें उसके पूरे nutrients मिलते हैं. So winters में at least आपको हफ्ते में एक बार तो ये smoothie बनानी ही चाहिए. नेक्स्ट रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए. वी आर गोइंग टू मेक ओट्स एंड डेट्स स्मूदी. तो सबसे पहले हम एक जार में डेट्स लेंगे. मैंने इन डेट्स के सीड्स निकाल लिए हैं. मार्केट में सीडलेस डेट्स भी मिल जाती हैं. सो आई एम टेकिंग 4 डेट्स. अब इसमें मैं 1/3 कटोरी रोल्ड ओट्स ले रही हूँ और साथ में 1 कप अनस्वीटेंड आमंड मिल्क. With this, our date smoothie is also ready. आप इसके ऊपर cinnamon powder या फिर nutmeg powder भी sprinkle कर सकते हो, जिससे ये और ज़्यादा delicious भी हो जाएगी और healthy भी. And guys, 100 ml of oats and date smoothie contains only 188 calories, जिसमें से 35 grams carbs है, 2 grams fat है और 5 grams protein है. और ये भी एक बहुत ही delicious smoothie है, जिसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर ट्राई करो. इस रेसिपी को भी जरूर ट्राई करना, बिकॉज डेट्स की वजह से इसे विंटर्स में लेना और भी ज्यादा बेनिफिशियल है. हमारी नेक्स्ट रेसिपी है पपाया वॉलनट स्मूदी. तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे पपाया. मैं हाफ कटोरी पपाया ले रही हूँ, विच इज कट इन टू पीसेस. अब मैं इसमें हाफ एप्पल के पीसेस डाल रही हूँ, 3 से 4 वॉलनट्स एंड नाउ 1 कप आमंड मिल्क. इट्स टाइम टू ब्लेंड. एंड डन. यू कैन नाउ पोर दिस इनटू अ ग्लास और हमारी पपाया वॉलनट स्मूदी रेडी है. 100 ml ऑफ दिस स्मूदी कंटेन्स ओनली एंड ओनली 91 कैलोरीज, आउट ऑफ विच 10 ग्राम है कार्ब्स, 5 grams fat or 1.5 grams protein. After this gorgeous recipe, we are going to make another very nutritious smoothie, which is avocado smoothie. So guys, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे avocado. I am taking around 1/4 of an avocado. इसके अंदर हम डालेंगे baby spinach leaves and then some celery leaves. इसके बाद around half an apple और अब 1 cup almond milk. That's it. Now let's blend all this together. So this is done. अब हम अपनी इस lush green smoothie को एक glass में pour कर लेते हैं. Can you see it is so thick? And 250 ml of this smoothie contains 161 calories, out of which 16 grams is carb, 9 grams is fat, and 2.9 grams is protein. And this smoothie is also loaded with nutrients, so it's very healthy and nutritious. So do give it a try. Guys, आपको इन सब में से सबसे interesting smoothie कौन सी लगी वो मुझे comments में जरूर बताना. और अगर आपको ये recipes पसंद आई है तो video को like जरूर करना, which will give me confidence to make more such recipe videos. इस channel पे और भी ऐसी ढेर सारी healthy and interesting recipe videos है जिसको आप check कर सकते हो. इस तरह की interesting recipes के साथ भी weight lose करना चाहते हो तो I am Wow transformation program join कर सकते हो. एपिगामिया आमंड मिल्क का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. फिट रहो, हिट रहो.